चैप्टर 19 के पहले हिस्से में हम देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसके अंदर टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन और मास वेरिएशन, और आखिर में हम एनर्जी मास रिलेशनशिप पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी तक यानी 1900s तक जो भी फिजिक्स के लॉज थे उनको क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। इनके अंदर क्या क्या शामिल है हम इस पढ़ चुके हैं, एम्पेयर्स लॉ, फैराडेज लॉ, फिर उन सबको कंबाइन किया मैक्सवेल्स इक्वेशंस में, इसके अलावा न्यूटन के लॉज, थर्मोडायनामिक्स के लॉज, ये सब जो उस वक्त तक डिस्कवरीज हुई थी उनको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि 19th सेंचुरी के एंड पे कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई, एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स फिजिसिस्ट ने फेस किए जिनको ये थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। उनको एक्सप्लेन करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट नई थ्योरीज आई जिनकी वजह से पूरा व्यू चेंज हो गया फिजिक्स के ऊपर, और कहा गया कि एक नया ईरा आ गया फिजिक्स के अंदर जिसको नाम दिया गया मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स की दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो एक क्वांटम थ्योरी है और दूसरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्वांटम थ्योरी बहुत छोटी चीजों को एक्सप्लेन करती है, यानी जिनका साइज 10^-10 मीटर्स के बराबर हो, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन चीजों के साथ डील करती है जिनकी स्पीड्स बहुत हाई हो, इतनी हाई कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करें हो, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ये तब होता है जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखें, जो एटम के अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं वो उन स्पीड्स को अप्रोच कर रहे होते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही के अंदर साइजेस इतने छोटे होते हैं उनके 10^-10 के ऑर्डर के। तो फिर इससे साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो अब तक की हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती थी जिनके साइज नॉर्मल थे मीटर्स में और उनकी स्पीड्स इतनी ज़्यादा नहीं थी जो नॉर्मल हमारी स्पीड्स होती हैं, उनको तो मॉडर्न क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है, मगर अगर हम बहुत छोटे स्केल और हाई स्पीड्स पर जाएँ तो क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है, उसके रूल्स अप्लाई नहीं करते और नए रूल्स और नई थ्योरीज बनाएगी जिनको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स इज बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या नन ऑफ दीज। रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड होते हैं, ये क्रॉस है तो नीचे वाला भी क्रॉस हो गया। वेव मैकेनिक्स क्या होते हैं? जब हम ये कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल वेव और पार्टिकल दोनों तरह एक्ट करता है, यानी मैटर वेव की तरह भी एक्ट करता है, तो उसकी मैकेनिक्स को वेव मैकेनिक्स कहते हैं, और ये क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी नहीं थी, ये मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी थी कि लाइट को सबसे पहले कहा गया कि वो पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, इसलिए ये क्लासिकल फिजिक्स में नहीं है। आखिरी ऑप्शन न्यूटोनियन मैकेनिक्स करेक्ट है, और वैसे भी जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज जो हमारे यूनिवर्स को गवर्न करें एक तरह से वो न्यूटन ने दिए थे, और उनको हम कलेक्ट करके न्यूटोनियन लॉज या न्यूटोनियन मैकेनिक्स कह देते हैं। द बैकबोन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके रेफरेंस से आप बाकी सारी चीज़ें मेजर करते हैं। मसलन क्या चीज़ें मेजर करते हैं? कि हम मोशन में हैं या एट रेस्ट हैं, हमारा टाइम कितना गुजरा है, हमारी लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करते हैं। मसलन अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़मीन है और मैं अपनी मुझसे कोई मेरी लोकेशन पूछता है तो मैं कह सकती हूँ कि मैं एग्जैक्टली उसको GPS से बता सकती हूँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये मेरी लोकेशन है। अगर मुझसे कोई एक कमरे में मैं खड़ी हुई हूँ, मुझसे पूछे कि तुम्हारी लोकेशन क्या है कमरे के अंदर, तो मैं कहूँगी मैं इस कमरे के सेंटर में खड़ी हुई हूँ। तो इस केस में मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कमरा है, और ज़मीन के केस में मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़मीन है। इसी तरह मोशन और रेस्ट, अगर मैं ज़मीन पर खड़ी हुई हूँ साकित, तो मैं कहती हूँ मैं स्टिल हूँ, मैं मूव नहीं कर रही, हालांकि ज़मीन तो मूव कर रही है। अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सूरज हो और मुझसे कोई पूछे कि आप मूव कर रही हैं, मैं ज़मीन पर खड़ी हुई हूँ साकेत खड़ी हुई हूँ, तो मैं कहूँगी मैं मूव कर रही हूँ क्योंकि ज़मीन मूव कर रही है। इस तरह हर चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मुख्तलिफ हो जाती है, कोई चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेफरेंस से मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, और नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन होती है।
इनर्शियल के अंदर न्यूटन के लॉज होल्ड करते हैं, लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, इसी वजह से इसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और दूसरे के अंदर न्यूटन के लॉज होल्ड नहीं करते। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड आइंस्टाइन की थ्योरी है, उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, और जो नॉन इनर्शियल के साथ डील करती है उसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इस बुक में हम सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स दैट डील विद सिचुएशंस इन्वॉल्विंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूनिफॉर्म मोशन है यानी एक्सेलरेशन जीरो है, उसको हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन ऑल फ्रेम्स, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल या इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन जीरो होती है और उनके अंदर न्यूटन के लॉज या क्लासिकल फिजिक्स वैलिड होती है। एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट वन विच मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अर्थ एट रेस्ट, जीरो एक्सेलरेशन या ऑल ऑफ द अबव। एट रेस्ट नहीं होता, रिलेटिव है रेस्ट और मोशन की स्टेट, विच मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अर्थ। ऑन अर्थ ये जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है, अर्थ को रेफरेंस बनाया हुआ है हमसे। इनर्शियल फ्रेम जरूरी नहीं है, अर्थ से बाहर भी हो सकता है। जीरो एक्सेलरेशन एक कंडीशन है इनर्शियल फ्रेम के होने के लिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। इसकी क्या ऑप्शंस हैं? इज ऑलवेज एट रेस्ट ऑन अर्थ, एट रेस्ट और मोशन का हम फैसला नहीं कर सकते क्योंकि वो रिलेटिव होता है। मूव्स विद सम एक्सेलरेशन, बी ऑप्शन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गलत, ये तो इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स हैं। पहला ये कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आप कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें, चाहे आप जमीन ले लें, उसके ऊपर लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होंगे। क्या लॉज ऑफ फिजिक्स हैं? एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूट्रोनियन फिजिक्स के लॉज। इसके अलावा अगर आप कोई रॉकेट स्पेस में भेज दें, चाहे जितनी मर्जी स्पीड से वो मूव कराओ, उसके अंदर अगर आप फिजिकली एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको एफ इज इक्वल टू एम ए ही मिलेगा, यही इक्वेशन होगी। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट अक्रॉस ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, इन वैक्यूम भी होना चाहिए। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। सब इनर्शियल फ्रेम्स अक्रॉस ऑल इनर्शियल फ्रेम्स का मतलब है कि चाहे मैं एक रॉकेट के ऊपर बैठ के स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर रही हूँ, चाहे मैं जमीन के ऊपर बैठ के मेजर कर रही हूँ, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट का सोर्स इन दोनों फ्रेम से बाहर हो, यानी आप जमीन और रॉकेट की एग्जांपल में कह सकते हैं कि चांद है और दोनों चांद से आने वाली लाइट की स्पीड मेजर कर रहे हैं, तो दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ होगी वैक्यूम के अंदर। और ये उसका पोस्टुलेट ये नहीं था कि उसने कहा कि ऐसा होता है, बल्कि एक्सपेरिमेंट से पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट होती है। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, जिससे साबित हुआ कि अगर आप मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से भी स्पीड ऑफ लाइट को देखें तो उसकी स्पीड हमेशा इतनी आती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल मोशंस आर एब्सोल्यूट, रिलेटिव, यूनिफॉर्म या वेरिएबल। एब्सोल्यूट नहीं होते और यूनिफॉर्म और वेरिएबल का फैसला फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से होता है, तो सब मोशन हम कह सकते हैं कि रिलेटिव होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का मोशन है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज नॉट एग्जिस्टेंट। Accelerated motion can be detected in its own frame of reference. Relative standard of rest and motion does exist. अब absolute standard exist नहीं करते, मगर relative standard exist करते हैं। अब ये ध्यान से पढ़ना है, absolute और relative लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही बात है। Accelerated motion can be detected in its own frame of reference, यानी अगर ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ accelerate कर रही है तो मैं उसको detect कर लेती हूँ, किया जा सकता है। तो ये तीनों statements ठीक हैं, all of the above. एक गाड़ी है, उसके ऊपर एक डब्बा पड़ा हुआ है, डब्बे के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है और एक बंदा नीचे खड़ा हुआ है, और एक बंदा इस गाड़ी से भी नीचे खड़ा हुआ है। ये ऊपर वाला बंदा कोई चीज फेंकता है नीचे, स्ट्रेट नीचे फेंकता है, तो फ्लाइट पाथ ऑफ अ वर्टिकली फॉलिंग बॉडी अपीयर स्ट्रेट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है इसको सीधी नीचे जाती हुई नजर आएगी, ये बात ठीक है। फ्लाइट पाथ ऑफ वर्टिकली फॉलिंग बॉडी अपीयर्स पैराबोलिक टू ऑब्जर्वर इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। ये जो बंदा इधर खड़ा हुआ है, इसके लिए ये बॉल आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो फिर किस तरह जाएगा? पाथ उसकी टेढ़ी हो जाएगी, स्ट्रेट नहीं रहेगी। अगर हम इसको वीडियो बना के बहुत आहिस्ता आहिस्ता वीडियो देखें तो हमें इस तरह बॉल जाता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात भी ठीक है,
all states of rest and motion are relative. There is no such thing as absolute rest or absolute motion. ये भी ठीक है. तो all of the above वाला option ठीक है. हम दो frame of reference consider करते हैं. एक ज़मीन है, इसको हम rest frame कहते हैं. ये हमारे लिए at rest है. और एक rocket ज़मीन से launch किया खला में, जो कि speed v से move करे, जो speed of light के करीब करीब है, इसको हम moving frame कहते हैं. अब theory of relativity हमें क्या बताती है कि स्पीड ऑफ लाइट दोनों अगर मेजर करेंगे, ज़मीन के ऊपर कोई टॉर्च लगा के मेजर कर रहा है और एक अगर इस रॉकेट के आगे लाइट लगी हुई है, इससे निकलती हुई लाइट इसमें मौजूद एक बंदा मेजर कर रहा है, दोनों को एक जितनी स्पीड मिलेगी, 3×10^8. हालांकि जो मूव कर रहा है उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये रॉकेट भी तो मूव कर रहा है और फिर उसके आगे हेडलाइट लगी हुई है, तो स्पीड ऑफ लाइट ओवरऑल ज़्यादा होनी चाहिए, मगर दोनों को एक जितनी स्पीड मिलती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है. मगर दोनों में लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होंगे, दोनों में स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर है. तो अगर फास्ट मूविंग वाले रॉकेट में स्पीड इतनी है, तो फिर उसका डिस्टेंस और टाइम रेस्ट फ्रेम के रिलेटिवली चेंज हो जाएगा. और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऐसा ही होता है. जब टाइम चेंज होता है, इसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं. उसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं. अगर हमने रॉकेट लॉन्च करते हुए जब दोनों ज़मीन पे थे, एक बंदे ने ज़मीन पे घड़ी रखी, उसमें 12 बजे थे, और उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड वॉच जिसमें 12 बजे थे उसने रॉकेट में रख के दूसरे बंदे को दे दी. अब जब रॉकेट फास्ट मूव कर रहा था, 10 घंटे गुजर गए, ज़मीन के ऊपर 10 घंटे गुजर गए. 10 घंटे के बाद फास्ट मूविंग वाले रॉकेट से पूछा गया कि तुम्हारे पास कितने बजे हैं, तो उसके पास 5 बजे थे. यानी उसके लिए टाइम आहिस्ता गुजरा है, उसके 5 घंटे गुजरे हैं. हमारे ज़मीन पे 10 घंटे गुजरे हैं, लेकिन ज़मीन के रिलेटिवली उसके पास 5 घंटे गुजरे हैं. इसका मतलब है कि जब जो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के करीब स्पीड से मूव करी होती है, उसके लिए वक्त आहिस्ता हो जाता है. और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, इस तरह हुआ. इस तरह उन्होंने सिंक्रोनाइज्ड वॉचेस रख के स्पेस में भेजते हैं फास्ट मूविंग चीज़ें, और जब वो वापस आती हैं तो वो घड़ियाँ सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती. उन जो बाहर से आती है उसका टाइम आहिस्ता गुजरा होता है, इसलिए वो आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी होती है. इसी तरह इसका एक और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत हाई स्पीड के ऊपर मूव करता है, उसकी हाफ लाइफ 2 सेकेंड्स है. तो जब हम उसी पार्टिकल को बहुत तेज मूव कराते हैं वेलोसिटी वी से, तो उसकी हाफ लाइफ मेजर की गई के 10 सेकेंड्स थी. यानी उस रिलेटिव टू जो एट रेस्ट था, यानी हमारा फ्रेम जिसमें हम मेजर कर रहे हैं, उसके हिसाब से 10 सेकेंड में वो डिके हुआ. हाफ लाइफ का मतलब होता है जब वो पार्टिकल आधा रह जाता है. पहले वो इतना था, तो फिर जितनी देर में वो आधा रह जाता है, उसकी हाफ लाइफ होती है. जब वो एट रेस्ट था तो वो उसने 2 सेकेंड्स लगाए, लेकिन जब वो मूव कर रहा था, चूंकि उसके लिए वक्त आहिस्ता गुजर रहा था, तो उसका प्रोसेस आहिस्ता हो रहा था, वो डिके आहिस्ता हो रहा था, उसने 10 सेकेंड लगाए डिके करने में. और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इस तरह होता है. इसको हम मैथमेटिकली कहते हैं कि जो डायलेटेड टाइम है, टाइम हमेशा आहिस्ता हो जाता है फास्ट मूविंग चीज़, इसके लिए हम इसको टाइम डायलेशन कहते हैं. और ये बराबर होता है जो ओरिजिनल टाइम है, प्रॉपर टाइम जो रेस्ट फ्रेम के अंदर होता है, डिवाइडेड बाय 1-v² ओवर सी स्क्वायर. वी स्क्वायर से वो चीज़ मूव करी है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर. तो ये फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है, और ये टाइम हमेशा डायलेट होता है. जो चीज़ मूव करी होती है, उसके लिए टाइम स्लो मूव करता है. लेंस कंट्रैक्शन भी टाइम डायलेशन की तरह एक फिनोमेना है. स्पीड ऑफ लाइट सब फ्रेम्स में कॉन्स्टेंट मेजर की गई है, और स्पीड ऑफ लाइट डिस्टेंस ओवर टाइम होती है. तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज मूव करी होती है, उसके लिए भी टाइम स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, और जो एट रेस्ट है उसके लिए भी इतनी है. ऐसा कैसे हो सकता है? इसी सूरत में हो सकता है जब उसके लिए डिस्टेंस ओवर टाइम एडजस्ट हो जाए, चेंज हो जाए, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाए या टाइम की वैल्यू चेंज हो जाए. जब टाइम की वैल्यू चेंज होती है, तो हमने देखा उसको टाइम डायलेशन कहते हैं, और जब डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, तो उसको हम लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं. डिस्टेंस कम हो जाता है. मैथमेटिकली इसको हम कहते हैं, लिखते हैं कि नई लेंथ, जो कंट्रैक्टेड लेंथ है, छोटी लेंथ है, वो बराबर होती है ओरिजिनल जितनी लेंथ होती है, मल्टीप्लाइड बाय ये फैक्टर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. वी वेलोसिटी है जिससे हम हाई स्पीड के ऊपर मूव करें. इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर हम ज़मीन पे हैं और हम एक डिस्टेंस स्टार तक, डिस्टेंस हमें पता है ज़मीन से, वो 100 लाइट ईयर्स है. अब अगर आप एक बहुत हाई स्पीड रॉकेट में बैठ के, जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब स्पीड से सफ़र कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में आपको ये डिस्टेंस कम
आपके लिए कम हो जाएगा वो डिस्टेंस, 100 लाइट ईयर्स के बजाय शायद आपके लिए 10 लाइट ईयर्स हो जाए, डिपेंड करता है कि कितना आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच कर लें, स्पीड ऑफ लाइट कोई चीज़ अप्रोच नहीं कर सकती, मगर अगर आप स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच कर लें तो आपके लिए डिस्टेंस होगा ही नहीं, फिर क्या ये इक्वेशन होगी, आप स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर लेंगे, 1 - 1 जीरो, लेंथ जीरो हो जाएगी आपके लिए, यानी डिस्टेंस जीरो हो चुका है। तो आप हमेशा, हम हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम कम स्पीड्स के ऊपर होते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड अचीव कर लें तो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा कम होता जाता है। एन ऑब्जर्वर शूट्स अक्रॉस रेविशमेंट रूम एट रिलेटिविस्टिक स्पीड, रिलेटिविस्टिक मतलब बहुत हाई स्पीड के ऊपर, सर्कुलर प्लेट ऑन द टेबल अपेयर्स टू हिम, ये एक सर्कुलर प्लेट है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, मैं इसको ऊपर से देख रही हूँ, एक टेबल है और मैं इस रूम में ऊपर से शूट कर रही हूँ बहुत हाई स्पीड के ऊपर, तो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन में लेंथ कंट्रैक्ट होती है, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसमें जो मेरी लेंथ है ये वाली लेंथ, ये कम हो जाएगी, समझाइए इतनी हो गई है, तो प्लेट की अब ये शेप बन जाएगी, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में लेंथ नहीं थी ये वाली लेंथ, इस लेंथ को कुछ नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगी, तो फिर प्लेट मुझे एलिप्टिकल नजर आएगी। जब कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही होती है तो उसका मास भी चेंज हो जाता है, और वो मास वेरिएशन मैथमेटिकली हम लिखते हैं, नया मास बराबर होता है ओरिजिनल मास डिवाइडेड बाय 1 - v² / c². यानी नया मास ओरिजिनल मास से ज्यादा हो जाता है, जितनी आप हाई स्पीड से मूव करेंगे आपका मास ज्यादा होता होना शुरू हो जाएगा। इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं, ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये मेरी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की को अप्रोच करिए, जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी ज़्यादा होगी मेरा मास ज़्यादा होता जाएगा, मास भी इंक्रीज हो रहा है, जब मैं स्पीड ऑफ लाइट पे अप्रोच करूँगी मेरा मास इन्फिनिट हो जाएगा, और दूसरी चीज़, जैसे जैसे मेरा मास ज़्यादा हो रहा है मेरा इनर्शिया ज़्यादा हो रहा है, मुझे अपने आप को वो स्पीड बरकरार रखने के लिए और ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो जब मैं स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करूंगी एक तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा अपने आप को उस स्पीड पे रखने के लिए, और अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंच जाऊं तो मेरा मास इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिट मास एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट पे अप्रोच नहीं कर सकती, इवन स्पीड ऑफ लाइट से कम भी उसका, बिल्कुल कम भी उसका मास इतना ज़्यादा होगा कि इसको मूव करने के लिए आपको इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अलाउ नहीं करता। An observer shoots across an object at rest at very high speed. Object at rest है, हम वही example ले लेते हैं, table पे एक plate पड़ी हुई है, वो at rest है, उसको हमने reference बनाया हुआ है क्योंकि उसको हमने कहा है कि वो at rest है और हम खुद move कर रहे हैं। He finds that the mass of the object is, अब mass variation कब होती है, जो object high speed पे move कर रही होती है उसका mass change होता है, तो जो ऑब्जर्वर है उसका मास खुद चेंज हो रहा होगा मगर उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, तो उसको नहीं पता चलेगा उसका मास ज़्यादा है, मगर अगर वो उस ऑब्जेक्ट का मास डिटेक्ट कर सके तो वो अपने नॉर्मल मास के बराबर होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, जो मूव करेगा उसका मास ज़्यादा होगा, जो मूव करेगा उसके लिए टाइम स्लो होगा और जो मूव करा होगा उसके लिए लेंथ कम होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एनर्जी और मास को पहले दो अलग फिजिकल एंटिटी समझा जाता था और इनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था। आइंस्टाइन ने अपनी मशहूर इक्वेशन E=mc² के जरिए प्रूव किया कि दरअसल एनर्जी और मास एक ही फिजिकल क्वांटिटी की दो शक्लें हैं। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर एक बॉडी जिसका मास m है वो एट रेस्ट भी पड़ी हो तो उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर्ड होती है जितनी मास को स्पीड ऑफ लाइट टाइम स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई करके हमें मिलती है। ये हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एक बड़ा नंबर है, फिर उसको स्क्वायर्ड है, और अगर हम इसको एक छोटे से मास से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अमाउंट एनर्जी की आती है जो कि हर मास के अंदर स्टोर्ड होती है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू रिलेटिविस्टिक मास, मास इज गिवन बाय E = mc² में से मास उन्होंने पूछा हुआ हमारा किसके बराबर होता है E/c² के।